मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जय माता दी दोस्तों, आज है तीसरा दिन नवरात्रि का और मैं मंदिर से बाग विराजन मंदिर से आ चुकी हूँ वापस। तो मैं वापस आकर अपने घर में मतलब दिया जला देती हूँ, फिर इसके बाद बच्चों का लंच वगैरह जो है बनाऊँगी। तो मैं वही दिया जला के यहाँ पर भी आरती कर दूँगी और विधि विधान से यहाँ पे नहीं करती हूँ और विधि विधान से मैं कहीं पे भी नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे विधि विधान आता ही नहीं है। विधि का विधान मैं तो बस ऐसे ही सीधे सरल तरीके से लोटे में जल और थोड़े से फूल डाल के वहाँ चली जाती हूँ मंदिर, तो वहाँ पे जल चढ़ा देती हूँ माता को, पैर छू के वहाँ से वापस आ जाती हूँ, वही मैं घर पर करती हूँ क्योंकि विधान से मुझे करना नहीं आता है। और मैं इस सब में विश्वास भी नहीं करती हूँ कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। भाई, आपके मन में भाव होना चाहिए भक्ति का और आप अपने पूरे श्रद्धा के साथ जल बस चढ़ा देंगे तो वो भी माता स्वीकार करेंगे। और अगर आपने जितना ज़्यादा होशियारी दिखाई माता के सामने कि ये माता को नहीं चढ़ता है, वो माता को नहीं चढ़ता है, ये ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत ज़्यादा कानूनी निकालते हैं वो पूजा में, जो कि मेरे नज़र से बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए। माँ को सिर्फ भक्ति भाव से आप जो भी अर्पण करेंगे, बस आपके हृदय में भक्ति की भावना होनी चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। तो देखिए, मैं अपनी बात बता रही हूँ, दुनिया से की बात नहीं कर रही हूँ। किसको बड़े ज्ञान ध्यान से या जिसको जैसे करना हो, भाई सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है और सबके पास अपना अपना टाइम होता है। भाई मुझे ये होता है कि चलिए मैं वहाँ पर जल चढ़ाया, 4 बजे सुबह उठ के मंदिर जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी अपना कर लिया जो भी है। और YouTube देवता की भी मैंने पूजा कर ली है आज, क्योंकि वीडियो बन रहा था तो मैंने सोचा चलिए YouTube देवता की भी आरती उतार ही लेते हैं। और बस तो यहाँ पे आके थोड़ी सी दिया वगैरह जला देते हैं, फिर इसके बाद इनके पापा करेंगे, फिर मतलब सब लोग अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं। इसके बाद आ गई थी मैं किचन में क्योंकि अभी बनाना था मुझे बच्चों के लिए लंच, तो लंच में बन रही है इनके स्कूल के लिए पालक आलू की सब्ज़ी और रोटी बनेगी, तो बस वही मैं बना रही हूँ। और इस टाइम पर नवरात्रि हैं तो प्याज लहसुन हम 9 दिन नहीं खाते हैं क्योंकि हमारे घर में जवारे होते हैं, माता रानी का मंदिर है तो वहाँ पे पाठ भी बैठता है। मतलब भले ही मैं यहाँ हूँ लेकिन फिर भी इतना मानना पड़ता है। वैसे मेरे यहाँ मैं सच्चाई बताऊँ तो प्याज लहसुन कम ही खाया जाता है। कोई व्रत हो तो हमारे जैसे किसी के एक का व्रत है तो भी हम घर में प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, और कोई त्यौहार हो तो त्यौहार के दिन भी कोई मैं प्याज लहसुन की का खाना नहीं बनाती हूँ। मतलब ये सब मेरा अपना है और मेरे बच्चों को भी बगैर प्याज लहसुन का खाना ही पसंद है। तो अगर ज़्यादा प्याज लहसुन हो जाता है मसाला तो बच्चों को भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वो जैसा खाते रहते हैं उनको वैसा ही अच्छा लगता है। हाँ, कोई बाउंडेशन नहीं रखा है मैंने कि मतलब नहीं खाना है तो नहीं खाना है, ऐसा भी नहीं है। चाट वगैरह जब हम बाहर खाते हैं, घर से बाहर खाना खाते हैं, जो भी हो जैसा भी होता है हम लोग खूब खाते हैं। और ये मैंने बिल्कुल से बैन नहीं किया हुआ है कि नहीं प्याज लहसुन हमारे घर में नहीं आएगा, तो प्याज लहसुन आता है, सलाद में हम लोग प्याज खाते हैं। मतलब जैसे कि कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान अगर हमारे घर में होता है तब नहीं खाते हैं हम लोग, तो मैंने नियम नहीं बनाया हुआ है। तो यही है मेरा। और इसके बाद देखिए संयोग आ रहे हैं बीच में, इनको कंघी करवानी होती है इसी टाइम पर, तो मेरे हाथ गंदे होते हैं तो फिर ये चला जाएगा वापस और इनकी सब्जी बनाएंगे अभी हम। और फिर इसके बाद देखिए व्रत जब होता है ना तो किचन में जो है डबल काम हो जाता है। जैसे कि अभी बच्चों का लंच बनाएंगे, उनके पापा के लिए भी बनाएंगे नाश्ता, और इसके बाद जब अब मेरा व्रत है तो मैं अपने लिए, जब ये बच्चे स्कूल चले जाएंगे, सब लोग चले जाएंगे, उसके बाद जब मैं वापस आऊँगी तो पूरी किचन क्लीन होगी, गैस को साफ़ करना पड़ेगा अच्छे से, तब कहीं जाके मेरा कुछ भी बनता है। तो मेरा ये है कि देखिए जब आप अकेले व्रत होते हैं ना तो ये सब बनाने बनाने का भी झंझट नहीं होता है अपना। हम
जैसे तैसे करके चला लेते हैं। अब जैसे वो रहते थे व्रत, तो फिर मतलब जैसे कि खाना बनता है वैसे ही उनका फलाहार बनेगा, कुछ ना कुछ जैसे कायदे से बनता था, ताकि मतलब। और जब हम खुद रखते हैं ना तो अपना काम चला लेते हैं, कभी एक दो कुछ फल खा लिए या कुछ खा लिया, मतलब ऐसे ही चला लेते हैं, बनाने का झंझट नहीं पालते हैं कि नहीं हमारे लिए यही बनना है। तो इसीलिए इस बार मैंने उनको इस बार नहीं रखने दिया, क्योंकि वैसे मैं बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों के लिए, तो वैसा खाना बनेगा फिर व्रत वाला बनेगा ये। अब मैं अकेले हूँ तो मेरा जो मन करता है एक गिलास दूध ही पी लिया, हो गया। तो मतलब ऐसे कर लेते हैं हम लोग, लेडीज़ का हमेशा ही ऐसा होता है, भले व्रत ना हो। अगर जेंट्स को घर पर खाना नहीं खाना है तो लेडीज़ तो समझिए आप चटनी रोटी खा लेगी, अगर रोटी एक है तो एक ही खा लेगी, बनाएगी नहीं अपने लिए। बच्चे और हस्बैंड अगर घर में ना हो या और मतलब फैमिली ना हो तो लेडीज़ शायद अपने लिए खाना पता नहीं कब बनाए, जब बिल्कुल से कुछ कोई व्यवस्था ना हो तभी शायद दो चार रोटियाँ सेक ले, तो सेक ले, सब्जी तो कभी ना बनाएगी अगर अकेली होगी तो। ये हैबिट होती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को, अपने लिए भी हम खुद से भी प्यार करना चाहिए जैसे हम अपनी फैमिली को करते हैं। और तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं, और इस बार पता माता जी जो हैं पहली बार आई हैं, और ये मेरे जो भाई हैं इनके मोहल्ले में आई हैं, तो जहाँ पे अम्मा रहती हैं वहाँ से थोड़ी अंदर जाके घर है दोनों भाइयों के, तो वहाँ पे इस बार भतीजे वगैरह जो हैं इन लोगों ने नई शुरुआत की है। तो मैं गई थी आरती में, तो सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। और ये कह रहा था कि ये अम्बे गौरी वाली आरती मुझे नहीं आती है और मुझे दूसरी वाली आती है, तो उसको लिखी हुई दे दी थी कि चल तुम मुझसे इसको देख के गा लेना, तो आपको थोड़ी सी आरती सुनवाएंगे हम। तो किस तरीके से हमारे यहाँ शाम को आरती होती है अम्मा के यहाँ, तो हम लोग पहुँच जाते हैं और अच्छा लगता है नवरात्रि में, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुहाना लगता है। सुबह सुबह मंदिर जाओ, आके पूजा वगैरह करो। ये देखिए अम्मा भी खड़ी होंगी, तो चलिए करते हैं आरती माता रानी की। बोलो अम्बे मैया की जय, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें कौन से दिन जावत मैया जी, कौन से दिन जावत हर ब्रह्मा से बड़ी, ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत भी को, ब्रज मग को मैया टी को, ब्रज मग को ओ जल से अभी नवरात्रि भर बढ़िया धूमधाम रहेगी, और जब माता जाएंगी तो फिर मोहल्ले में बहुत सुनसान हो जाती है। और पहले साल है तो बड़ी खुशी हो रही है सबको, और ये भतीजा है जो आरती कर रहा है माता की, और ये हरा टॉप पहने जो लड़की है ये भतीजी है सबसे छोटी, स्वीटी की छोटी बहन। स्वीटी को तो आप लोग जानते ही होंगे, तो ये सबसे छोटी है शिल्पी। और सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा सेल्फी मोड में कर लिया था, बच्चों को तो ज़्यादा ही खुशी होती है। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो मतलब शाम से इंतज़ार करते थे माता की आरती का। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आया हो, और संयोग को देख सकते हैं आप बड़े भक्ति भाव से तालियाँ बजाई जा रही हैं, और तो जय माता दी ज़रूर लिखें कॉमेंट में। तो बाय बाय दोस्तों।